यस बेटे, अस्सलाम वालेकुम। हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 10th एनसीईआरटी मैथ्स। हम इस बार आपसे जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ठीक है। हम एज ए होल पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम हर वीडियो पर्टिकुलर क्वेश्चन पर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जो आपका एक्सरसाइज 7.2 है, उसमें आपको एक क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं क्वेश्चन टॉपिक वाइज। पहला हमने टॉपिक लिया है या टाइप ऑफ क्वेश्चन लिया है व्हेन आपको रेशो गिवन हो और आपको पॉइंट निकालना हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 की लैंग्वेज लेते हैं कि क्या लैंग्वेज है और फिर उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। Coordinates of the points. Of the points which divides the line segment into four equal parts. एक क्वेश्चन इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है इसी एक्सरसाइज में, वहाँ ट्राई सेक्शन की बात कर रहा था, 3 इक्वल पार्ट्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस देखते से करिए, 4 इक्वल पार्ट्स। फिर डिवाइड सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ठीक है सर, जॉइनिंग ए माइनस 2 एंड बी 2 8। ये हमारे पास है। तो पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्चुअली क्या है ये आपके पास, बहुत सिंपल वे में इसको करेंगे। ये हमारे पास ए है दैट इज़ माइनस 2 2, और ये हमारे पास बी है दैट इज़ 2 8। आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स निकालने जो 4 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करें। अगर आप कह रहे हो कि 4 इक्वल पार्ट्स, तो 4 इक्वल पार्ट्स बेटा जी तब बनेंगे जब आपके पास 3 पॉइंट्स होंगे। तो 3 पॉइंट्स विल डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो आप यहाँ सपोज यहाँ करेंगे, लेट पी क्यू एंड आर डिवाइड्स ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब आपको क्या करना है, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, एक तरीका तो ये है, 4 इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हो रहा है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो अगर मुझे P निकालना है तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से ये 1, तो ये टोटल एक साथ ले लीजिए 3, फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। तो आप कह सकते हैं सो P डिवाइड्स ए बी इन द रेशो 1:3। देन आपके पास आएगा Q, Q के केस में क्या होगा, ये भी आपके पास 1 1 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो 2:2 यानी कि 1:1 मिड पॉइंट। आपके पास R आएगा, तो R आप कर सकते हैं कि सर ये हमारा 3 रेशो है और ये हमारा 1। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन एक इजी वे ये हो सकता है कि आप बेटे पहले आप Q ही निकाल लें, और Q क्या होगा, मिड पॉइंट। आफ्टर फाइंडिंग Q आप कह सकते हो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q एंड R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। तो आपका पूरा क्वेश्चन मिड पॉइंट से चल जाएगा। तो आपने लिख दिया पी क्यू आर डिवाइड्स ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। नाउ सो Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, Q आ जाएगा। मिड पॉइंट क्या होता है आपको पता है, मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपके पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, रखो ज़रा, x1 माइनस 2 x2 प्लस 2 बाई 2 y1 2 प्लस 8 बाई 2। तो आपके पास q आ गया सर जी, माइनस 2 प्लस 2 0, 0 बाई 2 इज़ 0, 8 प्लस 2 10, 10 बाई 2 इज़ 5, दैट्स इट। ये बेटे मेरा q आ गया। अगर आपके पास q आ गया बच्चे, q क्या आया, 0 5, तो अब आप P निकाल सकते हैं बेटे। नाउ P इज मिड पॉइंट ऑफ
ए क्यू, तो पी के कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। अगेन पी मिड पॉइंट है तो क्या होगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, माइनस टू बाई टू माइनस वन होता है बेटे, एंड सेवन बाई टू। तो ऐसे आपके पास पी आ गया। आपको थर्ड कोऑर्डिनेट निकालना है आर। आपके पास ये बेटे आर है, तो अब आप क्या कह सकते हो कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड बी। ये आपके पास आर है, तो अब आप क्या कह लीजिए, सो नाउ आर इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। मिड पॉइंट अगेन एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। एक्स वन क्या है, जीरो, जीरो प्लस टू बाई टू, एंड वाई वन फाइव प्लस एट बाई टू। ये बेटे आपके पास है, बस आंसर आ गया बेटे, टू बाई टू इज वन, थर्टीन बाई टू। तो आर आपके पास आ गया वन, थर्टीन बाई टू। तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, पी क्यू आर। आप यहाँ लिख दीजिए, सो पी माइनस वन सेवन बाई टू, क्यू क्यू इज ज़ीरो फाइव, एंड आर इज वन थर्टीन बाई टू डिवाइड्स ए बी इंटू फोर इक्वल पार्ट्स। तो उम्मीद ये है आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को करने की, समझने की। ये वीडियो को बार बार आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख सकते हैं। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। इसी एक उसमें, इसमें सब में क्या हो रहा है कि हमें पॉइंट्स तो गिवन है ही, ए बी के रेशो गिवन है, वो किसी भी तरह से गिवन हो, मिड पॉइंट वन इज टू थ्री, टू इज टू टू, ठीक है। तो रेशो गिवन है, आपको नेक्स्ट पॉइंट निकालना है। एक क्वेश्चन और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप इंशाल्लाह।